हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ कौशल कुमार फ्रॉम दिस लाइफ इन चाइना। और अभी हम लोग थाईलैंड बैंकॉक में, और आपने देखा कि मैंने काफ़ी जगह घूमी बैंकॉक में, और अभी लोकल जगह पे हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी लोकल स्ट्रीट्स मार्केट है और टेंपल्स भी है, साइड में टेंपल्स है, साइड में ये लोकल मार्केट। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप इस मार्केट में देखिए, काफ़ी चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मिलती है यहाँ पे, अगरबत्ती, और ये जो मतलब बुद्धिज़्म में ज़्यादा फॉलो करते हैं, माला वगैरह सारा कुछ है यहाँ पे। और बड़ा अच्छा बात है यार, देखो मार्केट बड़ा कंजेस्टेड सा है बट काफ़ी साफ़ सुथरा है, रोड्स काफ़ी क्लीन है, तो ये बड़ा होना ज़रूरी है हमारे देश के अंदर में भी। जैसे पहाड़गंज है या चावड़ी बाजार है, चांदनी चौक है, तो ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है। और भाई साहब आप ये बाइक भी ले सकते हैं, और ये भी बेचारे हेलो कर रहे हैं हमें, और आप बने रहे बस हमारे साथ। आपको मैं ये सारी स्ट्रीट आप यार देख पा रहे हैं कि अभी मैं बैंकॉक के लोकल मार्केट में हूँ, और काफ़ी साफ़ सुथरा है, और बड़े तरीके से इन्होंने दुकानें लगा रखी हैं अपनी। आप मेरे आगे पीछे बिल्कुल देखें, और बड़ा अच्छा लगता है यार, सिस्टम से कोई भी चीज़ रहती है तो ठीक लगता है, और बड़ी शांति है, कोई कचकच नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ मिलता है, मोस्टली रिलीजियस सामान आपको, माला या हाथ में पहनने वाला रुद्राक्ष वगैरह, और फिर मूर्ति भगवान की, बुद्ध भगवान की, उस टाइप के मार्केट है ये। काफ़ी अच्छा है, रिलीजियस मार्केट एक तरह से कह सकते हैं लोकल में। आप देखिए ये पूरा बुद्धिज़्म का ये सारा फोटो वगैरह है ना, और आप ये सब कुछ देखिए। यार चलते चलते काफ़ी थक गया था, तो सोचा कुछ स्नैक्स वगैरह लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बैंकॉक के हो रहे हैं 3 बज गए थाईलैंड में, वो स्नैक्स करते हैं। स्नैक्स में मैंने फ्रेंच फ्राइज वगैरह और ड्रिंक्स, लेमन ड्रिंक्स मंगवाई है, और यहीं मार्केट में बैठा हूँ। काफ़ी अच्छा मार्केट है ये भी, आप देख रहे हैं। और ये कह रहा था कि अब यहाँ से हम निकलेंगे तो आप घूमेंगे, यहाँ का सबसे अच्छा शॉपिंग सेंटर है MBK, अब मैं आपको वहाँ MBK ले जाऊँगा, और यहाँ सब देखते हैं कैसे जाता है। बाई चांस आप शब्द से भी जा सकते हैं अगर आपको आइडिया है, और नहीं तो आप ये बाइक ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, तो हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो यूज करेंगे, और MBK जाएंगे। फिर आपको मैं MBK दिखाता हूँ कैसा है, और यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है ये, शॉपिंग सेंटर कहला जाता है, और एक टाइम में ये दुनिया में भी हुआ करता था, अब तो खैर चाइना में बन चुके हैं, काफ़ी मॉल दुनिया में बन चुके हैं, एक टाइम में MBK सबसे बड़ा कहलाता था। तो चलते देखते इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर है तो क्या खासियत है, और उसी के आसपास में मैडम तो साथ म्यूजियम भी है, तो अभी हम वहाँ भी चलेंगे बैंकॉक में। तो आप बस भाई के साथ बने रहो, भाई आपको काफ़ी चीज़ें घुमाएगा, और जहाँ तक जितनी नॉलेज मुझे है मैं उतनी नॉलेज देने की कोशिश आपको जरूर करूँगा, ठीक है।
भाई लोग नाश्ता वास्ता करने के बाद आ गए हैं बैंकॉक के नेशनल म्यूजियम में। और यहाँ पे एक्सपो लगा हुआ है, म्यूजियम एक्सपो 2019। तो हम एक्सपो भी देखते हैं, अगर जाने देते हैं तो एक्सपो दिखाता हूँ। बाकी आप ये देखो, बैंकॉक का नेशनल म्यूजियम काफ़ी अच्छा है। मेरे पीछे और ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, आप यहाँ आए और बैंकॉक का नेशनल म्यूजियम घूमें। मैं आपको दिखाता हूँ बैंकॉक का नेशनल म्यूजियम क्या क्या है इसके अंदर में, क्या खासियत है। तो गाइज आपने देखा कि अभी मैं म्यूजियम से निकला हूँ, जो मेरे पीछे ये रहा म्यूजियम, और ये बैंकॉक नेशनल म्यूजियम है। आप ज़रूर आए यहाँ पे, है ना, और काफ़ी चीज़ें देखने के लिए अंदर में। यहाँ पे काफ़ी आर्किटेक्ट्स वगैरह जो मतलब थाईलैंड में क्या यूज हुआ करता था एक ज़माने में, वो सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा अच्छा लगा यार यहाँ पे, ये देखो ये विष्णु के अवतार में, मतलब देखने से तो राम जी की लग रहा है, तो विष्णु भगवान लिखा है। तो बैंकॉक में भी हिंदू धर्म है और काफ़ी विश्वास करते। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि काफ़ी सारी कंट्रीज हैं इंडिया से जो जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे हिंदुज़्म रिलीजन को मानते हैं लोग, विश्वास करते हैं। बाकी यार आप देखो कि अंदर में म्यूजियम अच्छा है, आर्किटेक्ट बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे बैंकॉक की सारी मंदिरें या कुछ भी हो मोस्टली इसी डिज़ाइन और इसी आर्किटेक्ट्स में होती है। और यहाँ एक्सपो भी था, मैं आपको एक्सपो भी दिखाया मैंने कि एक्सपो में भी काफ़ी चीज़ें थी। म्यूजियम के साथ साथ कुछ मॉडर्न भी था उसमें, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह था, सब कुछ था। तो यार बैंकॉक है बड़ा खूबसूरत, और आप आओ, काफ़ी चीज़ें हैं। आज तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई है, बैंकॉक का म्यूजियम दिखाया आपको, फ्लोटिंग मार्केट दिखाया, और एक टेम्पल का भी मार्केट दिखाया जहाँ पर खाली भगवान से रिलेटेड सारे सामान मिलते हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड सॉरी। और टेम्परेचर ठीक है बैंकॉक का, आया जा सकता है, घूमा जा सकता है। और भी मैं देखता हूँ, अभी एमबी के सेंटर वगैरह भी दिखाऊंगा आपको बैंकॉक में। और इसी के साथ में एक यूनिवर्सिटी है, थमसम यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी का एक लेक्चर मुझे बहुत पसंद आया, जो उसका स्लोगन है मेनली कि वी एजुकेट द पीपल फॉर प्रॉस्पेरस लाइफ, लिवाइस लाइफ, गुड एंड हैप्पी लाइफ। तो ये बड़ा अच्छा लगा उनका, मतलब ये स्लोगन है उस यूनिवर्सिटी का, तो बड़ा अच्छा स्लोगन था। कुछ चीज़ें हैं यार देखो, इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और आपको तो मालूम ही है इंडियंस हर जगह जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा हम लोग पे ध्यान देना चाहिए, और इंडिया में भी टूरिस्ट स्पॉट पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और देखिए सफाई कितनी अच्छी है, पूरा बैंकॉक पे देखिए कहीं कचरा नहीं दिखा आपको। मैंने बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड मार्केट भी मैंने गया, और वहाँ भी इतना कचरा नहीं था, कहीं कुछ नहीं, बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा तरीके से लोग रहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए इंडिया के अंदर भी। और आप एक बार ये टेम्पल देखें, बड़ा अच्छा आर्किटेक्ट बनाया हुआ है इन्होंने।